हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इनके। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे एयरफोर्स, नेवी, डबल ए, SSR के लिए टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज, और ऑलरेडी इसमें 22 पार्ट्स आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। आज जो हम आपके सामने पार्ट लेकर आए हैं वो हमारे आज की इस वीडियो का 23 पार्ट है, और इसमें फिर से आज हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा कि 5 क्वेश्चन लिखे हैं, जैसा कि हम हर एक पार्ट में पहले 5 और फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इस बार भी हम आपके सामने लेकर वीडियोस आए हैं। और जिन लोगों ने अभी हमें अन अकेडमी पर फॉलो नहीं किया है वो अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अन अकेडमी पर हमारे वीडियोज़ जो है वो सारे चैप्टर वाइज हैं, चाहे वो लिमिट्स की बात हो या आप डोमेन रेंज की बात करें या रिलेशन की वीडियोज़, बहुत जल्दी वहाँ पर हम ला रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपका लिमिट्स है, दूसरा हमारा डिफरेंशिएशन है, तीसरा हमारा इंटीग्रेशन है, और चौथा हमारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिला के दिया गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारा है वो वेक्टर से है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने 5th की तरफ। 5th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 एंड मॉड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 5/6, देन दी वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है। तो देखिए, मॉड ए क्रॉस बी आप सभी ने पढ़ा होगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आपका होता है मॉड ऑफ वैक्टर ए मॉड ऑफ वैक्टर बी साइन थीटा, ये आपका होता है, ठीक है। तो देखिए, मॉड ऑफ ए की वैल्यू आपको 4 दी गई है, तो यहाँ 4 पुट कर दीजिए। मॉड ऑफ वेक्टर बी की वैल्यू 2 दी गई है, और एंगल ए और बी के बीच का एंगल दिया गया पाई बाय 6, यानी कि 30 डिग्री। ये 30 डिग्री आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो 30 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू आपकी कितनी होती है 1/2। तो आप देखेंगे क्या ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू 4 आ गई है, कितनी आ गई 4। और ये क्योंकि इस पे स्क्वायर पूछा गया, तो अगर ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दें या आप इधर दोनों साइड स्क्वायर कर लें, तो आपको जो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू है वो मिल जाएगी आपको 16। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका 16 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए सॉरी बी में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 था आज का, उसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 16 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके जस्ट जो ऊपर लिखा हुआ है यानी कि क्वेश्चन नंबर 4th, जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन मिला के दिया गया है। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार डबल ए के एग्जाम्स में आपके पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों चीज़ें मिला के दी गई, मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों। और देखिए हमें पता है कि हम किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन कर दें और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दें, तो फिर वो उसी कंडीशन पर वापस आ जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अगर हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं dy/dx, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। अब इसका दोबारा इंटीग्रेशन कर दें तो ये वापस क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, क्योंकि x² / 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे, इससे अच्छा क्या है हम इन दोनों को कैंसिल ही क्यों ना कर दें, मतलब जो ये लिखा है वही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन के साइन से इस इंटीग्रेशन के साइन को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे केवल आपका बचेगा क्या, बचेगा साइन इनवर्स 2x / 1 + x², और केवल हमें इसी पे लिमिट लगानी होगी 0 से 1। अब चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये फॉर्मूला होता है हमारा 2 tan inverse x का, तो 2 tan inverse x में भी लिमिट लगा सकते हैं 0 से 1। तो 0 पे तो सब 0 हो जाएगा, लेकिन 1 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 10 inverse 1, और 10 inverse 1 की वैल्यू π/4 होती है, कैंसिल करेंगे तो आपको मिल जाएगा π/2। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आपका π/2 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी आंसर इज π/2। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसका आंसर आपका π/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3rd हमारे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx/(1/2√x) ब्रैकेट में लिखा है x+1, ठीक है। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले चीज़ तो आप देख सकते हैं कि रूट एक्स लिखा हुआ है, 10 inverse √x, जबकि हमारा फॉर्मूला होता है 10 inverse x का। तो जब x² वहाँ पे होता है तब यहाँ पे x आता है, जब वहाँ पे रूट एक्स का स्क्वायर होगा तभी यहाँ पे रूट एक्स आया होगा। भाई अगर x यहाँ वहाँ पे x² है तो यहाँ पे कितना आया है x, तो वहां पे क्या होगा √x². तो कहीं ना कहीं इस जो क्वेश्चन अवकाश में √x² बनना चाहिए। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो √x². अब जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे होना नहीं बिल्कुल जरूरी है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखा है 1/a² + x², तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a
टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आपका तभी पॉसिबल हो पाता है जब यहाँ पे ये जो एक्स लिखा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर यहाँ पे इवन लिखा हो। अगर ये नहीं लिखा है तो फिर हम ऐसा इसको नहीं कर सकते। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये देखें, ये लिखा हुआ है एक्स, इसको हमने रूट एक्स लिखा। अब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ क्वेश्चन में होना बहुत जरूरी है, तो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/2 √x, और वो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है भाई, यहाँ पे इनटू में तो 1 लिख ही सकते हैं, ये ऑलरेडी गिवन है। तो मतलब अब हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, केवल हमें ये क्वेश्चन ध्यान से रखना है, अगर डिफरेंशिएशन जो भी लेट करें अगर उसका डिफरेंशिएशन आपको मिल जाए तो ये समझ लीजिए हमारा क्वेश्चन 99% सॉल्व हो चुका है। अब आपको क्या करना है, ये लिखा हुआ इसको भूल जाइए जो भी आपका आ चुका है डिफरेंशिएशन के बाद, तो बचा 1/√x² + 1, 1/√x² + 1, मतलब 10 inverse √x आंसर हो जाएगा इसका। तो कुछ भी नहीं करना था, आंसर सीधे 10 inverse √x होगा क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। या आप अगर ऑप्शन का डिफरेंशिएशन कर लें, जो जौन सा आंसर आपको ये मिल दे देगा वही आंसर क्लियर होगा। जैसे कि अगर यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करें तो 1/ क्या होगा, सबसे पहले 10 inverse 1/√x, 1 + √x² यानी कि 1 + x, और फिर 1/x का तो 1 √x को दोबारा करेंगे तो 1/2 √x, सीधे सीधे यही मिल जाएगा। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इफ fx इज इक्वल टू √x √ax और a² √ax, फाइंड f डैश a, आपको f डैश a बताना है, मतलब एक बार इसका डिफरेंशिएशन पूरा करना है फिर उस पर आपको a रख देना है। तो जैसे हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करें f डैश a, तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, रूट a तो बाहर हो जाएगा, और रूट x का करेंगे तो 1/2 √x होगा। सभी को पता है कि रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है। इस तरीके से हमने ए स्क्वायर बाहर ले लिया और ये जो 1/ ये जो रूट ए था इसको भी बाहर ले लिया। अब देखिए अगर 1/√x लिखा है तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x^-1/2। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये आगे आ जाएगा -1/2 और ऊपर हो जाएगा -1/2 -1, मतलब -1/2 x^-3/2। इसको अगर हम नीचे ले आएँ तो ये हो जाएगा 1 - 1/2 x^3/2, जिसको हम लोग x√x लिख सकते हैं। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करते हैं रूट एक्स का, तो ये आ जाएगा -1/2 x/√x, इतना आ गया। अब ये हम लोगों ने इसका पूरा डिफरेंशिएशन कर लिया, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, हमने आपको बता दिया, आप समझ चुके होंगे, ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, बस ये ए की ये जो वैल्यू है ए, ये उठा के यहाँ पे रखनी है। जैसे ही आप देखिए ये वैल्यू रखेंगे तो देखिए ये हो जाएगा √a/2√a, क्लियर है, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया, a² / √a, माइनस क्योंकि प्लस था यहाँ, माइनस मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये a हो गया, ठीक है, 2a/√a। अब समझिएगा √a और √a कैंसिल हो जाएगा आपका, मतलब कैंसिल हो गया, मतलब a बन जाएगा और a इस साथ मिल जाएगा तो a² हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये √a से √a कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपका 1/2 बचा हुआ है और यहाँ भी आपका बचा है 1/2, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन कितना हो रहा है, 0। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, शायद पहले आपने इस क्वेश्चन को नहीं लगाया होगा, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है कि ए लिमिट एक्स टेंस टू सॉरी लिमिट अल्फा टेंस टू बीटा, ठीक है, और लिखा हुआ है sin²α - sin²β / α²-β² ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए 0 है, ऑप्शन बी 1 है, ऑप्शन सी आपका लिखा है sin β / β, फिर ऑप्शन डी लिखा है sin²β / 2β। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहली चीज़ तो अब जैसे ही अल्फा टेंस टू बीटा यहाँ रखें, क्योंकि पहला काम होता है आप रख जो वैल्यूज दी गई वो रख के देखें क्या 0/0 बन रहा है, अगर 0/0 बन रहा है तो लॉस्टल रूल लगाइए। लिमिट की पूरी सीरीज हमने अकेडमी पर प्रोवाइड की है, कम से कम 19-18 पार्ट वहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, छोटी 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 बारीकियाँ भी हमने वहाँ पर आपको बताई हैं। तो जिन लोगों ने इन वीडियोज को नहीं देखा है जरूर जाकर देखिए, कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है sin²α - sin²β, जैसे ही रखेंगे यहाँ भी अल्फा की जगह बीटा रखना है तो sin²β हो जाएगा, sin²β ऊपर 0 बन जाएगा, नीचे भी आपका 0 बन जाएगा, तो 0/0 बनता है। तो हम लोग एलॉफ्सर रूल लगाते हैं, और एलॉफ्सर रूल का मतलब होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको लिमिट दी गई है उसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू गिवन लिमिट अंश और हर में, यानी कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो जैसे हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो लिमिट अल्फा टेंड्स टू बीटा ही रहेगी आपकी, ठीक है, जैसे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2 sin α, और sin α का दोबारा करेंगे तो cos α, sin²β आपका 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है।
अल्फा स्क्वायर इज 2 अल्फा डिफरेंशिएशन, बीटा स्क्वायर का 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, हम कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, अल्फा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, अल्फा के रिस्पेक्ट, क्योंकि लिमिट हमें अल्फा के रिस्पेक्ट में दी गई है। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमने नेक्स्ट 5 क्वेश्चन की तरफ जो कि अपने इस वीडियो में लेकर आए हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखें तो सर थ्योरी से है, सेकंड क्वेश्चन हमने आपका स्टैटिक्स से लिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन हमारा सीरीज से बोल सकते हैं आप, थर्ड क्वेश्चन जो इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर जो 9th है वो हमारा बायनोमियल थ्योरम से है, एंड क्वेश्चन नंबर जो लास्ट लिखा हुआ है वो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन से है, ठीक है। तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ, लिखा हुआ है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डीई, डीई का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी कि अवकल समीकरण, आपके सामने एक अवकल समीकरण लिखा हुआ है ये, ठीक है। इस अवकल समीकरण का इसमें से कोई एक ऐसा सॉल्यूशन है जो इसका इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा, तो वो आपको बताना है कि वो हमारा कौन सा सोल्यूशन इसका होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए हम लोग क्या करते हैं जब भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं अवकल समीकरण में यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हम लोग क्या करते थे dx वाला टर्म x के साइड कर लेते थे, यानी कि जितने वाले टर्म्स होते जितने भी x वाले टर्म्स होते थे वो सब dx की तरफ होते थे, और वो सारे टर्म्स जो कि हमारे y की तरफ होते थे यानी कि जो वो टर्म्स जो कि y से रिलेटेड होते थे वो हम सब dy की तरफ कर देते थे। तो यहाँ पर dy से रिलेटेड कोई भी टर्म नहीं है लेकिन x से रिलेटेड ये दिया हुआ है, तो हम क्या कर लेते हैं dx को यहाँ पे ले आते हैं। तो कंडीशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी आपकी, और dx अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से ये dx हट चुका होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 डिफरेंशिएट, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लिया जाए, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे y की जगह dy की जगह आपका y हो जाएगा, और ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका साइन इनवर्स x का, ठीक है ये, और ये देखिए 0 लिखा हुआ है, 0 का इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट नंबर होता है, क्यों, क्योंकि हम लोग जब कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन करते थे वो 0 होता था, और इंटीग्रेशन जस्ट अपोजिट होता है डिफरेंशिएशन का, इसलिए डिफरेंशिएशन जो हम लोग करेंगे कांस्टेंट नंबर का तो 0 आएगा, और जब कांस्टेंट नंबर का हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि 0 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा, इसलिए y प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू c इज अ राइट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर है 9th, और उसको देखते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 9th नंबर क्वेश्चन को करने से पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th को। 9th नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मिड टर्म, ठीक है, कौन सा इसमें इसका मिड टर्म होगा। तो देखिए मिड टर्म एक्चुअल में हम लोग दो तरीके से निकालते हैं, ठीक है, एक तब जब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है x प्लस ए की होल पावर n, ठीक है, अगर यहाँ पे n की वैल्यू जो हमारी है ये जो n की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है हमने, ठीक है, यहाँ पे फिलहाल हमने n लिखा है बट यहाँ पे ये नहीं बताया कि n हमारा कैसा है, ठीक है, n आपका ऑड हो सकता है और n आपका इवन हो सकता है, ठीक है, अगर n आपका इवन है, ठीक है, n आपका इवन है तो ऐसे केस में जो मिड टर्म होगा वो आपका होगा n by 2 plus 1 टर्म, ठीक है, ये हमारा मिड टर्म होगा। लेकिन ऐसे ही आपका यहाँ पे एक और टर्म होगा तो उस कंडीशन में आपके दो मिड टर्म होंगे, एक होगा n plus 1 by 2 वहाँ पद और एक होगा इसके जस्ट बाद वाला, या हम ये भी कह सकते हैं n plus 3 by 2 वहाँ पद। तो आप देखें तो n की वैल्यू यहाँ पे 9 दी हुई है, मतलब n एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर केसेस में आपके यहाँ दो ये मिड पर होंगे, तो 9 की जैसे ही आप यहाँ रखेंगे तो 9 प्लस 1 बाई 2 यानी कि 5, तो एक पद हमारा पांचवा होगा और एक पांचवे के बाद जस्ट जो बाद आएगा यानी कि n प्लस 3 9 प्लस 3 कर दें तो भी 12 बाई 2 आएगा यानी कि 6 आ जाएगा, और वैसे भी हमने कहा जो भी 5 आए उसमें एक जोड़ दीजिए तो अगला पद आपको मिल जाएगा, तो मतलब पांचवा और छठा पद आपका मध्य पद कहलाएगा, क्योंकि n प्लस 1 बाई 2 से n प्लस 3 बाई 2 कैसे मिला है, एक 1 जोड़ के, जैसे इसमें 1 जोड़ेंगे आप एलसीएम लेंगे ये मिल जाएगा, तो मतलब पांचवा और छठा पद जो है वो दोनों ही इस पद इस एक्सपेंशन के मिड टर्म्स कह जाएंगे। तो आंसर इज 5th and 6th टर्म्स यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 3rd की तरफ, और उसको देखते हैं कि कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 3rd को।
तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी कि एट लिखा हुआ है हमारा, हाउ मेनी नंबर्स आर बिटवीन 200 एंड 400 विच आर डिविजिबल बाय 7, मतलब 200 और 400 के बीच ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कि हमारे 7 से डिविजिबल हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग 200 में 7 से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ही आप 200 में 7 से डिवाइड करेंगे, देखिए आपका दो बार चला जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद 6 बचेगा, 6 यानी 60 हो जाएगा, 60 में डिवाइड करेंगे आपको 28 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग डिवाइड करते हैं 400 में, 400 डिवाइड बाई 7 करेंगे, यहाँ देखिए 5 आ जाएगा और 5 बचेगा तो फिर 57 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 200 तक आपके 28 टर्म्स हैं जो कि आपके 7 से डिविजिबल हैं, जबकि 1 से लेकर 400 तक आपके 57 टर्म्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। तो आप अगर ये 28 इस 57 में माइनस कर दो तो 57 माइनस 28 इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे 29, कितना मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा 29। तो इस तरीके से आप ये पता कर सकते हैं कि इनके बीच में कितने टर्म्स होंगे। तो आंसर इज 29, ठीक है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर अपना जो है यानी कि 7th नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा स्टैट से लिया गया है, इसमें आपसे बताना है कि मीन डेविएशन क्या होगा यानी कि माध्य विचलन क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि माध्य विचलन यानी कि MD का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम लोग मीन डेविएशन भी बोलते हैं। हमने कई बार इसे क्वेश्चन आपको अपनी वीडियोस में बताए हैं और अनअकैडमी पर ऑलरेडी हमने पूरा स्टैटिक्स का पार्ट दिया हुआ है, जिसमें हमने रेंज निकालना, मीडियन निकालना, मोड निकालना और काफ़ी क्वेश्चन इसके दिए हैं, माध्य विचलन के, मानक विचलन के, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं वहाँ पे। उससे ऊपर स्टैटिक्स में कुछ पूछा ही नहीं जा सकता आपसे, ठीक है। चलिए तो MD देखते हैं। MD आपका होगा सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, ठीक है। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। हमने कई बार आपको बताया यहाँ पे एक्स आई का मतलब ये सारे टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और ये जो n लिखा है नंबर ऑफ टर्म्स हो गए, और यहाँ पे जो ये x बार है ये इन सभी का मीन होता है यानी कि माध्य। तो माध्य निकालने का मतलब है औसत यानी कि कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, सबको जोड़ लीजिए, 2 और ये 9 आपका 11 हो जाएगा, 11 प्लस 9 आपका 19, 19 प्लस 3 आपका हो जाएगा 22, 22 प्लस 6 आपका 28 हो जाएगा, 28 प्लस 9 अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 30। एक बार फिर से ऐड कर लीजिए 9 9 9, ये आपका हो गया क्या जाके 27 और ये 9 फिर से हो गया यानी कि 36, 36 प्लस 4 40 हो गया, 40 प्लस 2 42 हो गया, ठीक है। तो एक्स बार 42 हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो ये 3 और ये 3 6 7, 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो एक्स बार आपको 6 मिल रहा है। अब देखिए एक्स माइनस एक्स बार का मतलब है कि 6 का आप हर एक नंबर के साथ डिफरेंस निकालोगे, तो जब इसका आप 2 के साथ डिफरेंस निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 4, 9 के साथ 3 मिलेगा, फिर 9 के साथ 3 मिलेगा, 3 के साथ आपको 3 मिलेगा, 6 के साथ आपको 0 मिलेगा, 9 के साथ फिर 3 मिलेगा, 4 के साथ आपको 2 मिलेगा। सबको ऐड कर लीजिए, 4 3 7 7 3 4 3 7 7 3 10 10 3 13 13 3 16 और 16 2 18, मतलब टोटल जो सम आ गया वो 18 आ गया। एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स जो कि आपके 7 है, डिवाइड कर लीजिए, दो बार चला जाएगा, ठीक है। अब आपका बचा कितना, अब आपका बचेगा 7 2 14, यानी दो बार चला गया आपका बचा 4, 4 में आपको 7 से डिवाइड करना है जो कि आप डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट लगाया तो पॉइंट 0 पड़ जाएगा, यहाँ पे आपका 5 बार चलाएगा, फिर से 5 बचेगा, अब आपका 7 बार जाएगा, तो मतलब 2.57 समथिंग आएगा और ये ऑप्शन नंबर बी दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर और क्वेश्चन नंबर 7th। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे इस वीडियो का आज के यानी कि जो 23 पार्ट है उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If n a cross b is equal to 40, then which of the following condition is wrong? मतलब आपको ये बोला गया है कि n a cross b की वैल्यू अगर 40 आई हुई है तो when which of the following condition is wrong, इसमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जो आपकी रॉन्ग हो जाएगी, वो आपकी करेक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहली चीज़ तो आपको बता दें कि जैसे कि एक कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स आपके मान लेते हैं कैपिटल n है, और दूसरा कोई सेट एक बी है जिसमें एलिमेंट्स हमारे m है, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनका क्रॉस किया जाए यानी कि a क्रॉस b, तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, तो उसमें एलिमेंट होते हैं n इंटू m, ठीक है। तो
अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि NA के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, सॉरी करेक्ट नहीं है, तो यानी कि वो स्टेटमेंट करेक्ट होगा जो इन इस NA से यहाँ पे डिवाइड करने पर, अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो N से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो अगर NA क्रॉस B यानी कि A क्रॉस B जो 40 दिया गया है, इसमें NA के जो भी एलिमेंट्स होंगे उससे डिवाइड होना चाहिए। अगर डिवाइड कम्प्लीटली हो रहा है तो वो हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है, बट वो नंबर जो कि डिवाइड नहीं हो रहा है वो हमारा आंसर नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे अगर देखें 8 को हम डिवाइड करें 40 में तो डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम जाएगा, 10 से डिवाइड करें तो भी हो जाएगा, 5 से डिवाइड करें तो भी हो जाएगा, बट 9 ऐसा नंबर है एक जिससे कि 40 में डिवाइड नहीं होगा और वो पॉइंट में चला जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर जो 6 था हमारा, उसका आंसर आपका डी आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज फिर से 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये पार्ट हमारा किसी तरीके से बहुत लेट हो गया है वो हमें पता है, और लेट होने का कारण क्या है वो आपको बहुत जल्दी बता देंगे। उसका एक्चुअल में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग नहीं अपना पार्ट जल्दी ला पाए, लेकिन अब आपको पार्ट बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगे। तो आज के लिए तक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो बच्चे जो अभी नए हैं और उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।